हाय गाइस, हम हैं एक यूट्यूबर और आप देख रहे हैं मूवी व्लॉग। स्वागत करते हैं आपका नए घर में, तो आ जाइए। तुम तो आओ, तुम क्यों बाहर खड़ी हो, आ जाओ। ये कितना अच्छा है। तो ये है हमारा 2023 का घर, जो कि किसी ख्वाबों की दुनिया से कम नहीं। तो आइए हम आपको घर का विजिट कराते हैं और दिखाते हैं इनमें क्या क्या है। चीज जो आप देखेंगे वो है ये शानदार सीढ़ियाँ। इससे तो मुझे जैसे प्यार हो गया है, सबसे अच्छा घर का यही हिस्सा लगा मुझे ये सीढ़ियाँ। अंदर सबसे महंगी तरीन चीज जो है वो सीढ़ियाँ होती हैं, और सीढ़ियाँ हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि वुड का और गिलास का बेहतरीन काम हुआ हुआ है। असल में अंदर जाके लड़ाई करनी पड़ी ढूंढने के लिए कि ये चोट कहाँ से आई। इसकी वजह से मो सीढ़ियों के साइड में ये जो ग्लास के एजेस लगे हुए हैं, ये बहुत ही खूबसूरत है, बहुत लग्जरियस, बेहतरीन जगह है। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ अपना लिविंग रूम, तो आइए। लिविंग रूम के बारे में मैं क्या कहूँ, ये ड्रेक का लिविंग रूम है। ये काला है, कितना खूबसूरत है, ये एकदम लग्जरियस है। ये मेरा पसंदीदा रंग है, देखो जरा। ये मतलब मैं क्या कहूँ, काला रंग जैसे ऐसा है कि घर को खूबसूरत बना देता है। पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि अमीर लगेंगे या लग्जरियस लाइफ लगेगी, मतलब इस रंग में कुछ तो ऐसा है। तो सबसे पहले मेरे भाई ने घर में ये किया कि अपनी पसंद की डिजाइन की हुई बिलियर्ड टेबल लगवाई। ये स्ट्रिप नीचे है और हमने इसको काले कलर का पेंट करवाया है, क्योंकि हमें मिल नहीं रहा था अपने घर से मैचिंग कलर, तो हमें इसे डिजाइन करवाना पड़ा। तो बहरहाल ये स्नोकर पे हम मौजूद हैं और स्नोकर पे बॉलें सारी डाल दी हैं, लेकिन ये रुक नहीं रही सारी। ये देखें, ये नीचे आ गई, जो थी वो भी टूट गई, ये भी टूट चुकी। लेकिन ये फिर भी, मेरा मतलब तुम इसको खेल के फिर भी जीत सकते हो, मतलब शुरुआत के खेलने वाले लोगों के लिए ये बहुत अच्छा है, ये नए खिलाड़ियों के सीखने के लिए अच्छा है। आपको पता है मुझे बहुत अच्छा लगता है गेम खेलना, और मैं यहीं बैठ के गेम्स खेलता हूँ, लाइव स्ट्रीम करता हूँ, और मैं आपको लाइट जला के दिखाता हूँ। ये बहुत ही अच्छी जलती है, यहाँ पे देखें, ये लाइट जल गई, बहुत ही ज़बरदस्त, मुझे मज़ा आता है यहाँ पर। आपको पता है मैं बिटकॉइन पे ट्रेडिंग भी करता हूँ, अगर आप भी शौक रखते हैं बिटकॉइन पे ट्रेडिंग करना, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में साइन अप करना ना भूलिएगा। तुमने गार्डन की कुर्सी चुराई, मैं उसे कब से ढूंढ रही थी, और मैंने मम्मी से भी कहा कि वो मेरी चेयर थी, तुमने मेरी कुर्सी चुराई। मुझे पता है क्यों। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, ये जो है ये लिविंग रूम है, और लड़के सुनो, मुझे इस सोफे से प्यार हो गया है। ये जैसे सोफों का शनेल है, मतलब तुमने देखा है शनेल के हैंडबैग्स, वो देख के तुम इसे देखोगे तो तुम्हें समझ में आएगा मैं क्या कह रही हूँ। और ये टेबल देखो, ये मार्बल की टेबल है। और मो, ये बड़ा स्क्रीन का टीवी कहाँ से लाए तुम। हाँ मैं भी देख रहा हूँ, और आपको पता है कि इसकी छत बहुत ही ऊंची है, और इसीलिए 80 इंच की स्क्रीन जो हमने यहाँ लगाई हुई, अगर ये नहीं लगाएंगे तो दीवार खाली नजर आएगी। ये देखो जरा, ये तो ऐसा लग रहा है जैसे काफी महंगा है, मतलब मैंने देखा है, क्या ये नकली है, ये सारा नकली सामान है ना। क्योंकि इसका डिजाइन ही है ऐसा। लेकिन तुम पूरी कोशिश कर रहे हो तो अच्छी बात है। अब जबकि आपने लिविंग रूम देख लिया है, तो हमारे पास एक क्लो मशीन भी है, ये है वो। टडा, मैं आप लोगों के लिए इसे ऑन कर देती हूँ। जादू, वाओ, ये क्या हो रहा है, मैं कोशिश करती हूँ, ये काम करता है क्या। अरे मुझे पैसे देने होंगे क्या तुम्हारे घर में खेलने के लिए। हाँ तो इसके अलावा ऑप्शन नहीं है भाई। तो जब तुम्हारे दोस्त घर पे आएंगे तो उन लोगों को पैसे देने होंगे इसे खेलने के लिए। सिक्का डालना तो लाजमी है, मैं तुम्हें देता हूँ, मेरे पास हैं सिक्के। अरे तुम्हारे पास एक्स्ट्रा सिक्के हैं। अरे ये पैसे कहाँ गए। ये काम कर रहा है, मुझे यूनिकॉर्न चाहिए, रेनबो वाला यूनिकॉर्न। अरे नहीं, ये मत कहना कि ये वो क्लो मशीन है जो कभी काम नहीं करती। क्या तुम कभी भी जीते हो इस क्लो मशीन से। अरे नहीं, ये काम कर गया। ये तो काम करता है।
है गाइस, तो आपने लिविंग रूम तो देख ही लिया, अब हम अंदर आ चुके हैं और यहाँ पे डाइनिंग टेबल है और ये बहुत ही ज़बरदस्त स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है जिसे आप पुतला भी कह सकते हैं और ये बहुत ही ज़बरदस्त यहाँ पे लगा है और हर जगह पर कुछ ना कुछ हमने किया हुआ है, कुछ ना कुछ काम किया हुआ है। और ये डाइनिंग टेबल है ये बहुत ही ज़बरदस्त इम्पोर्टेड है और ये भी ब्लैक कलर ही की है जैसे बाहर आपने देखा। ये देखें ब्लैक कलर का इसका कपड़ा है और ये कपड़ा बहुत ही सॉफ्ट है, मुलायम है, इसको बैठने में भी कम्फर्टेबल रहेगा, मज़ा आएगा। और ये जो है वो किचन है, यहाँ पर भी ब्लैक ही, और यहाँ पे एक स्पेशल गेस्ट है हमारी, ये मेरी मम्मी है और ये मम्मी से मैं मिलवाता हूँ। मम्मी किचन के अंदर है। मम्मी आप कुछ कहना चाहेंगी? देखो मैं तुम्हारे लिए ये लेकर आई, मैं सब कुछ लेकर आई खरीद के तुम्हारे लिए। आपको पता है वो कभी इसका इस्तेमाल नहीं करेगा, शायद किसी दिन हमारे लिए बना ले खाना। ये तो सिर्फ तभी मुमकिन है जब उसकी गर्लफ्रेंड यहाँ पर आए, तभी वो बनाएगा। हाँ नहीं 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 गाइज, मैं आपको बताता चलूँ, ये कैबिनेट है और कैबिनेट के अंदर हमने एक चीज़ छुपा के रखी हुई है, मैं आपको दिखाता हूँ। ये है फ्रिज, ये हमारा फ्रिज है और बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने जगह बनाई हुई है फ्रिज के अंदर। ये जूस रखा हुआ है और ये निम्को है, कभी कभी खा लेते हैं। और ये मेरे पापड़ कहाँ हैं भाई? ये मेरे पापड़ कहाँ हैं? ये मेरे पापड़ कहाँ गए भाई? भाई ऐसा नहीं किया करो, हर दफ़ा तुम ऐसे ही करती हो। अब हम आपको गार्डन की तरफ लेके चलते हैं। वाओ, ओ, अरे रे रे रे, अरे रे 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 रे, मुझे ऊंचाई से बहुत डर लगता है। ये नजारा तो देखो दोस्तों, कितना खूबसूरत है। मुझे एड्रेस होटल दिख रहा है। तो गाइस ये है डाउनटाउन और ये होटल नजर आ रहा है यहाँ से और यहाँ का व्यू बहुत ही जबरदस्त है। तुम्हें पता है बालकनी बहुत जरूरी है जिसमें खड़े होकर फ्रेश सुकून वाली हवा इंसान खा सकता है बड़ी आसानी से। ये जो है नकली घास हमने लगाई हुई है और वो जो है वो कुर्सी है जो इसने चुराई है घर से। ये किसी वक्त में मेरी हुआ करती थी। अच्छा यहाँ पर हमने फेक गिरास लगाई हुई है, नकली घासें लगाई हुई है, यहीं बैठ के हम हवा खाते हैं, यहीं बैठ के मज़े करते हैं और इसके अलावा हमारे पास ऑप्शन नहीं है, क्या कर सकते हैं, तो यहीं बैठ जाते हैं। और पड़ोसी भी हमारा देख रहा है वहाँ से सामने से, हाय नेबर्स कैसे हो। तो गाइस हम घर के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे अक्सर चीज़ें काली कलर की, ब्लैक कलर की हमने लगाई हैं, तो हमने ये भी डिसाइड किया था कि हम पर्दे भी ब्लैक कलर ही की लगाएंगे। और ये हो गया पूरा का पूरा ब्लैक कलर, अंदर से आप देख सकते हैं, इसीलिए लोग इसे कहते हैं आदमियों की गुफा। वाओ यार ये तो लुक ही बहुत शानदार जबरदस्त नजर आ रहा है यहाँ से फुल ब्लैक। ये बहुत मजे का है भाई, मतलब तुम्हारे पास दो दो पर्सनालिटीज हैं, एक सेकंड में तुम्हें सूरज मिल सकता है और दूसरे ही सेकंड में ये गुफा बन सकती है। इसकी पिच भी ब्लैक होनी चाहिए थी, लेकिन चलो चलो सीढ़ियों से ऊपर चलते हैं। चलो चलें। तो अब हम आपको ऊपर लेकर जाएंगे और वाकई में नजारा मजे का होगा। आप लोग जरा ये सीढ़ियां देखो, बस देखो कितनी खूबसूरत है ना। यहाँ से आपको एहसास होगा कि आप कितनी ऊंचाई पर हैं। पता है ऐसा लग रहा है जैसे एक ही घर में तीन मंजिला है। आमतौर पे ये ट्यूबलाइट ज्यादा ऊंची लगा देते हैं, लेकिन ये बिल्कुल सही है, ना ज्यादा ऊंची ना ज्यादा नीची। और वो लाइटें अच्छी भी लग रही हैं, है ना। तो पहला कमरा एक वॉक इन अलमारी की तरह है। टडा। तो ये कुछ ऐसा है जो हमने काफी टाइम से नहीं देखा था। मैं तुम्हें पहले ही बता दूं मेरे कपड़े यही हैंगर में लटकेंगे। तो अब वक्त है पहले बेडरूम में जाने का। ये देखो जरा कितना प्यारा है। वो ये देखो जरा बहुत खूबसूरत। ये दीवारें कितनी शानदार हैं। ये वेलवेटी काली दीवारें हैं, मेरा मतलब पूरा घर ही काला है लेकिन ये दीवारें दिल जीत लिया मेरा भाई। मतलब मेरे पास शब्द ही नहीं है, मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था ऐसा कमरा। और ये जो पेंटिंग आप देख रहे हैं ये मेरी माँ ने पसंद की है, मतलब यहाँ पर हर एक चीज काफी लग्जूरियस और महंगी लग रही है। और यहाँ पर है बाथरूम जो कि इतना खूबसूरत है, मतलब यहाँ पर शावर और ये बाथरूम भी काले हैं। तो ये मेरी बहन पहले बता चुकी है बेडरूम ब्लैक कलर का है और हमारा वाला बेडरूम हमने व्हाइट कलर का रखा है, थोड़ा सा डिफरेंट ताकि सही रहे। ओ या मैं भी बहुत हैरान हूँ यहाँ की डिजाइनिंग वगैरह सारी चेक करके, ऐसा लग रहा है पाब्लो पिकासो ने यहाँ की डिजाइनिंग की है। अच्छा एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, यहाँ पर दोनों बेडरूम आपस में एक दूसरे से मिले हुए हैं, यानी जो भी बंदा वॉशरूम में पहले आएगा पहले ये वाला गेट लाजमी बंद करेगा और उसके बाद यूज़ करेगा ताकि ये वाले गेट से कोई अंदर ना आ जाए। ये क्या है? You better have a room.
तो गाइज ये है मास्टर बेडरूम जो कि व्हाइट कलर का आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। दोनों कमरे मास्टर बेडरूम की तरह लग रहे हैं। हाँ ये उससे थोड़ा सा ही बड़ा है बट बहुत सही है और यहाँ का व्यू भी बहुत अच्छा है। मैं ये पर्दे हटा के आपको दिखाता हूँ। ओ माय गॉड ये देखें यहाँ का व्यू एक अलग ही आ रहा है, बहुत ही जबरदस्त लग रहा है। अच्छा तुम पर्दे बंद कर दो, सही से बंद करो, वो वाला तो तुमने रही थी दिया वो वाला। हाँ ये भी बंद करो आराम से, इसमें तो मेरी जिंदगी खत्म हो जाएगी। चलो हो गया, मुझे पता है आपने क्लोन मशीन ऑलरेडी देख ली है लेकिन इस तरीके से आप हमेशा जीत सकते हैं। और ये खोलने का मकसद, मशीन खोलने का मकसद सिर्फ इतना है कि हम चाह रहे हैं कि यहाँ से सारे टेडी बियर्स निकाले जाएं और यहाँ पे पैसे डाले जाएं। ओ ये निकाल के फेंक दिया हमने सारे, और ये कार्टन के अंदर बहुत सारे पैसे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। ये खोल दिया मैंने कार्टन और ये निकले हैं हजारों हजारों डॉलर्स, और ये हम मशीन के अंदर सेट कर देंगे ताकि कोई भी जब सिक्का डाल के विन करे तो फिर थाउजेंड ऑफ डॉलर विन करे। तो कैसा लग रहा है आपको, देखें। मुझे सबसे मोटी वाली गड्डी जो दिख रही है वो चाहिए। यह ध्यान से करना क्योंकि तुमने हजारों डॉलर जीतने हैं और मैं चाहता हूँ तुम जीतो। ये फिसलता है। चलो दोबारा कोशिश कर लो। मुझे एहसास हो गया हम नहीं जीत सकते कभी भी, कभी नहीं जीत सकते। ओ, तुमने हजारों डॉलर का हम कभी नहीं जीत सकते।